इंदौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऑस्ट्रेलिया के अकाउंटेंट को 1 करोड़ की चपत लगा दी है। अकाउंटेंट को भूलने की बीमारी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने उसे विश्व प्रसिद्ध एप्पल कंपनी से एग्रीमेंट कराने का झांसा दिया। जब अकाउंटेंट तैयार हुआ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एप्पल चीफ टीम कुक के जाली साइन किया हुआ एग्रीमेंट दे दिया। 4 साल बाद भी जब अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। अकाउंटेंट ने इंदौर में रहने वाले अपने दोस्त के जरिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पुलिस से शिकायत कराई। इंदौर हाईकोर्ट अधिवक्ता गगन बजाड़ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पॉल शेपर्ड पेशे से अकाउंटेंट है। उन्होंने अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विज्ञापन निकाला था। इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मयंक सलूजा ने उनसे संपर्क किया। मयंक ने 50,000 रुपये में सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही। इसके बाद दोनों में डील हुई। मयंक ने पॉल से कहा कि सॉफ्टवेयर केवल विंडोज पर चलेगा, मैकबुक पर सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमें एप्पल से एग्रीमेंट करना होगा। पॉल ने हाँ कर दी। मयंक ने कहा कि इस तरह की कोई भी एग्रीमेंट टिम कुक की साइन करते ही होते हैं। यह कहकर मयंक ने 4 साल तक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया और पैसे वसूलता रहा। जब पॉल को शक हुआ तो वे सिडनी स्थित एप्पल ऑफिस पहुंचे। यहां उन्हें सच्चाई का पता चला। इसके बाद उन्होंने इंदौर निवासी अपने दोस्त रुपेश शर्मा के जरिए अन्नपूर्णा थाने में मयंक के खिलाफ रविवार को शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2018 में पॉल ने $200 का पहला ऑनलाइन पेमेंट सीधे मयंक के खाते में किया। 29 नवंबर 2018 को पॉल ने अपनी बीमारी के बारे में मयंक को बताया। पॉल ने कहा कि वो ब्रेन कैंसर से अधिक दिन नहीं लड़ पाएंगे। यह भी बताया कि वे कोई भी बात लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मयंक ने 4 साल में पॉल से अपने खाते में $1,77,000 ट्रांसफर करा लिए। मयंक ने पॉल को सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद टिम कुक द्वारा लॉन्च करने की बात भी कही। इसके लिए उसने पॉल से कहा कि टिम कुक के आने से पहले उनके कर्मचारियों की ड्रेस बनवानी होगी। उसने पूरा प्रोग्राम के अरेंजमेंट कराने के नाम पर फिर से रुपए की मांग की। इस तरह 4 साल में मयंक ने पॉल से 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली।